साथियों, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि समृद्धि की इस भूमि पर इस साल इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन ने एक सटीक विषय चुना है, फ्यूचर इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी। मेरा स्पष्ट मानना है कि भारत की महानता हमारे ज्ञान विज्ञान में तो है ही, पर इस महानता का असली मकसद हमारे साइंस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को समाज से जोड़ने का भी है। फ्रेंड, द इंडियन साइंस कांग्रेस हैज अ रिच लीगसी। सम ऑफ इंडियाज फाइनेस्ट माइंड्स इंक्लूडिंग आचार्याज जेसी बोस, सीवी रामन, मेघनाथ साहा एंड एसएन बोस हैव बीन एसोसिएटेड विथ इट। मिनिमम रिसोर्सेज में मैक्सिमम स्ट्रगल के दौर में उन्होंने अपने विचारों आविष्कारों से लोगों की सेवा की। आज भी हम उनके कमिटमेंट और क्रिएटिविटी से सीख रहे हैं। इन 1917 आचार्य जगदीश चंद्र बोस एस्टैब्लिश इंडियाज फर्स्ट डेडिकेटेड साइंटिफिक रिसर्च सेंटर, द बोस इंस्टीट्यूट एट कोलकाता। हिज इनॉग्रल स्पीच वॉज अ रिफ्लेक्शन ऑफ हिज होलिस्टिक व्यूज ऑफ साइंस। He said, and I quote, "I dedicate today this institute not merely a laboratory but a temple to the nation," unquote. The life and works of hundreds of Indian scientists, areas, are a compelling testament of integration of deep fundamental insights with technology development and nation building. It is through our modern temples of science that India is transforming its presence and working to secure its future. Friends, our former Prime Minister Lal Bahadur Shastri ji gave us the slogan Jai Jawan Jai Kisan. 20 years ago, in a historic address at Pokhran, our great Prime Minister Atal ji had recognized the contributions of science and technology for India. He added, "Jai Vigyan, Jai Jawan, Jai Kisan, Jai Vigyan." I believe it is now time to take one more step forward. I wish to add Jai Anusandhan. Therefore, the slogan now becomes Jai Jawan, Jai Kisan, Jai Vigyan, Jai Anusandhan. Indeed, the pursuit of Vigyan is fulfilled through achievement of two objectives. The first is generation of profound or disruptive knowledge. The second is consumption of that knowledge for socio-economic good. As we boost our discovery science ecosystem, we must also focus on innovation and startups. Our government had launched the Atal Innovation Mission to promote innovation
among our scientists. More technology business incubators have been established in the last 4 years than in the 40 years before that. Industry must now contribute by providing timely direction, vision, mentorship, and partnership to the startups. Our scientists must commit themselves to addressing problems of affordable healthcare, housing, clean air, water and energy, agriculture productivity, and food processing. While science is universal, technology must be local for providing solutions relevant to the local needs and conditions. साथियों, आज हमारे सामने जो सामाजिक आर्थिक चुनौतियां हैं उनसे निपटने के लिए नेशनल रिसर्च लेबोरेटरीज एंड साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशंस को सुलभ, सुगम और सस्ते समाधान तैयार करने होंगे। मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं। हमारे देश में ऐसे किसानों की संख्या बहुत ज्यादा है जिनके पास सिर्फ 2 हेक्टेयर से कम जमीन है। उनको कम श्रम से अधिक पैदावार के लिए टेक्नोलॉजी की सबसे अधिक जरूरत है। हमने कृषि विज्ञान में काफी प्रगति की है। हमारे यहां पैदावार भी बढ़ी है, गुणवत्ता भी सुनिश्चित हुई है, लेकिन न्यू इंडिया की जरूरतों को पूरा करने के लिए इसमें बहुत कुछ करने की आवश्यकता है, नए विस्तार की जरूरत है। बिग डेटा एनालिसिस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन और कम्युनिकेशन से जुड़ी तमाम टेक्नोलॉजी का कम कीमत में कारगर इस्तेमाल खेती में कैसे हो, इस पर हमारा फोकस होना चाहिए। अब आज के समय की मांग है कि इन सारे आविष्कारों के साथ सेंसर टेक्नोलॉजी, ड्रोन, सैटेलाइट इमेजिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक पैकेज बनाकर अपने किसानों की मदद की जाए। इस मदद के जरिए हमारे किसान अपनी फसल, अनाज, सिंचाई, फर्टिलाइजर, ट्रांसपोर्ट और पेस्टिसाइड से जुड़े तमाम फैसले आज के वैज्ञानिक तरीकों की मदद से ले सकेंगे। साथियों, जिस तरह हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में लगातार आगे बढ़ रहे हैं, उसी तरह हमें 125 करोड़ भारतीयों की ईज ऑफ लिविंग पर भी तेजी से काम करना होगा। इसकी दिशा क्या हो वो स्पष्ट करने के लिए कुछ सवालों पर मंथन किया जाना आवश्यक है। क्या हम अपने देश के कम बारिश वाले इलाकों में बेहतर और वैज्ञानिक ढंग से ड्राउट मैनेजमेंट पर काम कर सकते हैं? क्या बारिश, साइक्लोन और दूसरी आपदाओं की भविष्यवाणी के तंत्र में और सुधार कर सकते हैं? इससे कृषि का फायदा तो होगा ही, अनेक जिंदगियों को भी बचा जा सके। क्या हम अपने देश की दशकों से चली आ रही माल न्यूट्रिशन की समस्या को सुधारने के लिए बेहतर टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन तलाश कर सकते हैं? ऐसे तरीके जिनसे हमारे बच्चों का
बेहतर स्वास्थ्य सुनिश्चित हो पाए। क्या हम अपने बच्चों को चिकनगुनिया और एंसेफलाइटिस जैसी बीमारियों से भारत को मुक्त करने का इलाज ढूंढ सकते हैं? क्या वेस्ट से एनर्जी बनाने और स्वच्छता के लिए सस्ती और आय पैदा करने वाली अधिक प्रभावी तकनीक विकसित कर सकते हैं? क्या हम पीने के पानी की समस्या से निपटने के लिए रिसाइकलिंग और कंजर्वेशन से जुड़ी नई तकनीक विकसित कर सकते हैं? क्या हम कोई ऐसा सिस्टम बना सकते हैं जिससे हमारे संवेदनशील संस्थानों को ऐसी साइबर सुरक्षा मिल सके कि उसे भेदना नामुमकिन हो जाए? क्या हम सौर ऊर्जा के उपयोग के लिए ऐसे समाधान तैयार कर सकते हैं जो बहुत ही कम कीमत में गरीब से गरीब व्यक्ति के लिए भी उपलब्ध हो सके? हमें इन सवालों के जवाब खोजने होंगे। हमें साइंस को सामान्य मानवीय के जीवन से जोड़ना ही होगा। तेजी से बदल रही दुनिया में अब हमारे पास और खास करके भारत को न रुकने का हक है, न कोई करे हम उपयोग करेंगे, इस इंतजार का भी हमें वक्त है। अब हमें लीडरशिप लेनी है, हमें दुनिया में कुछ करके दिखाना है। इस तरह की खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन कीजिए। धन्यवाद।